9 फरवरी को ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के अंदर रासी डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड का 5.7% लिथियम आयन आइडेंटिफाई किया है। आज की वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि ये लिथियम रिजर्व इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आप में से बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होगी टू रन दिस चैनल। लिथियम एक बहुत लाइट और रिएक्टिव मेटल है जो कि अपने ऑक्साइड या कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है। लिथियम इतना रिएक्टिव होने की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी होल्ड कर सकता है और लाइट होने की वजह से ये परफेक्ट चॉइस है प्रेजेंट टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक कार मेकर कंपनीज लाइक टेस्ला के लिए। लिथियम जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार मेकिंग कंपनीज के लिए उतना ही कठिनाई से ये मिलता है। वर्ल्ड का 75% लिथियम साउथ अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना और वॉल्सिया में मिलता है और इस जगह को लिथियम ट्राइंगल भी बोलते हैं। और मोस्ट रिसेंटली चाइना ने हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील वॉल्सिया के साथ साइन की है और इसके बाद चाइना ऑलमोस्ट 50% सेल प्रोसेसिंग और 75% सेल कंपोनेंट्स और बैटरी सेल्स प्रोड्यूस करता है। ये लिथियम रिजर्व इंडिया को हेल्प करेगा चाइना से डिपेंडेंसी को कम करने के लिए और इंडिया में ईवी प्रोडक्शन और इंडियन कंज्यूमर्स को ईवी अडेप्ट कराने के लिए। ये लिथियम रिजर्व ईयर 1999 में G4 स्टेज में मिला था और इसे 2 डिकेड से ज़्यादा लगे टू मूव इन G3 प्रोस्पेक्टिंग स्टेज, जहाँ पे क्वांटिटी फॉर्म की गई जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल एंड जियोकेमिकल रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग। एंड अब इसे G2 स्टेज, जहाँ पे जनरल एक्सप्लोरेशन किया जाएगा जिसमें और ज़्यादा स्टडीज की जाएंगी टू आइडेंटिफाई मिनरल शेप, साइज एंड ग्रेड को एस्टिमेट करने के लिए। और उसके बाद फाइनली G1 स्टेज, जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन किया जाएगा और इसी G1 स्टेज की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फाइनल डिसीजन लिया जाता है टू स्टार्ट माइनिंग और नॉट। हिंदू की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 2030 तक 30% प्राइवेट व्हीकल्स और 70% कमर्शियल व्हीकल्स इलेक्ट्रिकल हो जाएं और ये लिथियम रिजर्व तो हेल्प करेंगे गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लान्स 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करने के लिए। और ये लिथियम रिजर्व्स गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे ईवी व्हीकल्स की प्राइसिंग कम करने और लोगों को ईवी व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करने के लिए और नेट कार्बन एमिशन की तरफ जल्दी पहुंचने के लिए। लेकिन लिथियम माइनिंग में कुछ चैलेंजेस भी हैं। लिथियम माइनिंग से वाटर, सॉइल एंड एयर पोल्यूशन होगा। लिथियम को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए अप्रॉक्स 2.2 मिलियन लीटर्स पानी 1 टन लिथियम के लिए, जो कि वाटर को पॉल्यूट करेगा। और हिमालयाज बहुत सारी रिवर्स का सोर्स है जो कि पूरे रिवर सिस्टम को इफेक्ट करेगा। उसके साथ साथ हिमालयाज रीजन बहुत ज़्यादा फर्जाइल है। रिसेंटली आपने जोशीमठ इंसिडेंट के बारे में सुना ही होगा, अगर आपने नहीं सुना तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप उस इंसिडेंट के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। इंडिया को टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे टू यूज दिस लिथियम टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर इलेक्ट्रिकल बैटरीज। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो एक कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो।